हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन. आज है 2 नवंबर और नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो गया है. और आज मौसम बहुत अच्छा है. 2-3 दिन से इतना प्यारा सा मौसम हुआ है ना. तो वैसे मैंने कभी जर्दा चावल नहीं बनाए, तो मैं सोच रही थी आज जर्दा चावल बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ. मामा से पूछ के बनाऊँगी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं तो घर वाले चावल यूज़ कर रही हूँ. मैं वैसे आमतौर पर आपको पता है वो सेला चावल लेते हैं ना, वो जो पक्की बासमती या सेला चावल लेते हैं उसके लिए, जर्दे के लिए ना. लेकिन हमारे घर में आम जो नॉर्मल चावल जो घरों में पकते हैं ना, वो ही पड़े हुए हैं, जिसके नमकीन चावल आम रूटीन में बनता है, तो मैं उसी के बना रही हूँ. ठीक है, अगर ख़राब हो जाए तो परेशान नहीं होना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है मेरा. लेकिन तरीका वही वाला फॉलो करना है आप लोगों ने भी. ठीक है, आपको मामा का तरीका बताती हूँ. जिस तरीके से मामा चावल बनाती हैं जर्दा ना, तो बहुत टेस्टी जर्दा बनता है. तो चलो आओ पकाना शुरू करते हैं. मैं ना आम चावलों का ही बनाने लगी थी जर्दा, फिर अब्बू ने कहा कि नहीं मैं ना सेला चावल ला के देता हूँ. तो अब्बू ने अभी मुझे सेला चावल ला के दिए हैं. आप सेला भी ले सकते हैं और पक्की बासमती भी ले सकते हैं. अब्बू कह रहे हैं कि सेला को ही पक्की बासमती भी कहते हैं. तो ये ज़रा थोड़े से ना टूटते नहीं है चावल, तो ये ख़ास जर्दे के लिए होते हैं, स्पेशली ये वाले चावल. तो इसको पहले 15-20 मिनट पहले ना पकाने से पहले भिगो के रखना पड़ता है. तो ये लिए हैं चावल, एक ग्लास से थोड़ा सा ऊपर थे. ठीक है, तो वो भी फिर मैंने डाल ही लिए. ठीक है, जो है ना स्पेशल सेला यानी चावलों की नस्ल है, तो इसको पक्की बासमती भी कहते हैं और सेला भी कहते हैं. अक्सर ये मीठे चावल जो है ना देगों में यही पकाए जाते हैं. लेकिन इसका टेस्ट जो है ना, मामा ये कहना चाह रहे थे कि जर्दा चावलों के लिए इसका टेस्ट जो है ना वो बेस्ट होता है. ये देखे कैसा है चावल है, ये कितना लंबा चावल है, जब ये बनेगा तो इतना लंबा चावल. बाहर का मौसम इतना प्यारा हुआ है ना, तो सारा दिन क्लाउडी सा रहता है. चलो आज आप लोगों को ना हम वेजिटेबल्स दिखाते हैं. पहले बीज लगाए हुए थे, तो अब वो ना छोटे छोटे पौधे हो गए हैं वेजिटेबल्स के और सैलेड के ना. चलो आपको वो दिखाते हैं. अच्छा, तो ये हैं हमारी नई वाली फसलें और अब्बू ने ना काफी चीजें लगाई हैं. अब्बू बताएंगे, मुझे नहीं पता क्या क्या लगाओ. ਸੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਰ ਬੇਜਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਗਣ ਮੈਂ ਕੱਟੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੋਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਬੈਂਗਣ ਹੈ. ਅੱਬੂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਸੈਟ ਪਿਆ. ਆ ਵੇ ਹੰਬਾ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਵਾਂ? ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆ ਵੇਖਾ ਲੱਗੇ. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਅਭੀ ਲਗੇ ਹੋਏ. ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅੱਬੂ ਜੀ? अच्छा, ये जो घास जैसी है ना, ये वाली, ये जो घास, ए मूलियां ने आ जड़ियां वहां ने, ए ए की है, ये गाजरां ने, गाजरां ते मूलियां ने, ए गाजर ते ए मूली. अच्छा, ते गाजर ते मूली, ए ते नहीं लाया, इधर आओ जी, ए इस बन्ने दे आओ, हमारा बेरे बन्ने दे आओ. ए जेड़ा ताजा धनिया जेड़ा ना, ये मैं लाया सी, हुण इहदी काश्त हो रही है ते हांडी च पै रिहा. मटर पकाई देना फलियां, ये मटर दे बूटे आ, देखो तुसीं नेड़े विखाओगे ते ना तुहानूं पता लगेगा मटर. हां, ये मटर लगे हुए हैं अभी, ये थोड़े से बड़े नहीं हुए, बहुत ज्यादा छोटे. दो खेड़ा ने गोभी दियां ने, ये गोभी है, ताकि रात बरात कोई बीमार हो जाए, कोई मसला हो जाए, एंड में पौदीना हो ते चंद पत्ते तोड़ के ओदा कावा पिया दो. अब वो एंड च की है, वो लास्ट च, लास्ट विच जे ओ, हां जी, वो सारीयां मूलियां ते गाजरां ने. अच्छा, मतलब ए वाला खेत जेड़ा है वो सारा वो मूली गाजर, ए जेड़ा ना छलजम लगे ने. ठीक, फिर वो जेड़ी साइड तोड़ो तोड़ जेड़ी जा रही है ना, आ लंबे बन्ने ते, ये मोंगरे ने. अच्छा, ये मोंगरे हैं ये वाले. अच्छा जी, आ जड़ा खेत है ना, इधर वेच लाया है ये साग ते पालक रला के लाई है काफी. ये जो थोड़े से बड़े पत्ते नजर आ रहे हैं वो पालक है और बाकी साग है, सरों का साग. ओ की अबू एंड चे, ये जड़ा ना ये थूम लाया है. अच्छा, ये लहसुन है, लहसुन है इधर वेच. ऐसी जड़े साडा दे ना वो चुकंदर भी लगाए ने, चुकंदर वगैरह, ते आ जड़ा ना सरों का, देसी सरों का साग जड़ा ना वो साग है. ये सारियां चीजें असी लाइया, ए मोंगरे ने, ए मोंगरे जेड़े काफी यानी बड़े हो चले ने,
अठा दस दिन मोंगरे लग जाएंगे। ये देख लो, ये हमारे कंपाउंड के सारे लोग देख रहे हैं। ये मतलब बैठे खड़े हैं सारे। और वो हमारे हमसायों का खेत, उनको भी दिखाते हैं। वो खेत हमारे और नेबर्स का है। हम जा रहे हैं अपने नेबर्स के खेतों में। और इसके ये साथ साथ मेथी लगाई हुई है, कसूरी मेथी। ये है सारा लहसुन ही लगा हुआ है। अच्छा, इन्होंने सारा लहसुन ही लगाया और कुछ लगी है। ये कई रात की राणी समझते हो गए कि चिट्टे फुल होंगे ने, लेकिन यह जोड़ा फुल है यदा रंग अपना ये रात को जो शाम पैंती तो खिड़ पैंती है, तो यदि खुशबू बेतहाशा होंगी। तो हम असं जोड़े ना गेंडे और ये वो जी चीज़ बीज दतिया ने वह बहुत छोटिया ने, चंद दिनों तो बाद अं तुम्हेंगे कि नवे पौधे जोड़े ने गेंडे। हाँ, नवंबर के एंड तक या दिसंबर तक, पहले जब हम आते थे ना क्रिसमस पे आते थे तो तब बहुत फूल लगे होते थे यहाँ पे ना, क्रिसमस तक लगेंगे। अभी अब्बू का टाइम हो गया, दूध लेने जा रहे हैं। इस टाइम 6 बजे अब्बू दूध लेने जाते हैं। दूध लेने और चावल मैंने भिगो के अभी रखे हैं। अभी मेरा ख्याल तकरीबन 5:15 का टाइम है शाम का। और आप भी कह रहे होंगे मैंने दोपहर को वीडियो स्टार्ट की थी और अभी तक चावल नहीं बने। चावल इसलिए नहीं बने क्योंकि हमारे गैस की लोड शेडिंग होती है 3 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे के बाद गैस आती है, तो इसलिए फिर रुकी हुई थी मैं। चावल अभी भी भिगोए हैं, 15-20 मिनट भिगे रहेंगे चावल, उसके बाद फिर स्टार्ट कर दें ना। ये फूड कलर लिया है, ये एक पैकेट ही हमने मंगवाया था अब्बू से, तो ये आप ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। कुछ लोग लाइट पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं। मामा ने ना आधा पैकेट डाला है इसमें फूड कलर का ना, तो आप देख लें कितना को अच्छा लगता है। काफ़ी है। आधा किलो चावल है ना, तो उसके हिसाब से इतना काफ़ी है। तो अभी किचन में कुकिंग का टाइम है, तो इसलिए फिर मैंने अपना कर लिया गेटअप चेंज। तो चावल जो है वो भिगो के रखे हुए हैं 15-20 मिनट से, और इसके अलावा पानी जो है ना उसमें सिर्फ फूड कलर ऐड किया है आधा पैकेट, और तकरीबन 7 ग्लास मैंने पानी डाले। मामा ने कहा था आधा देख जा कर दो, क्योंकि वो तो पानी चावल छान ही लेने हैं ना और पानी निकाल देना उसमें से बाद में ना, तो पानी आप जितना मर्जी ऐड कर लें उसका कोई मसला नहीं है। चावलों का पानी जो है ना वो मैंने उतार लिया यहाँ पे, और पानी भी काफ़ी गर्म हो गया, बस बॉयल आने ही वाला है इसमें, और अभी मैं चावल ऐड करने लगी हूँ यहाँ पे। हमारे किचन में ना थोड़ी सी ना लाइट कम है, और हमारे बल्ब को भी पता नहीं क्या हो गया, वो ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रहा है। तो अभी मैं चावल डालने आई हूँ। तो मामा इसको कब तक बॉईल करना है चावलों को? जब तक एक कणी रह जाएगी, जिदो तक एक कणी रह जाएगी ना चावलों की उदो तक बॉयल करना है। एक कणी रहा मतलब आया होंगे कि जब थोड़े थोड़े हल्के से लाइट से कच्चे चावल होंगे ना, तब तक हमने इसको बॉयल करना है। और अभी पानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, ज़्यादा इसलिए डाला है क्योंकि अभी थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं चेक करती रहूँगी आके कि ज़्यादा तो नहीं गल गए। अबू अखरोट तोड़ रहे हैं अभी। अभी ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है ये किशमिश और नारियल और साथ में अखरोट, और इनको मैं कर लेती हूँ अभी वॉश। यार ये ना पानी निकाल रहे हैं चावलों का ना छलनी के ऊपर। ये देखो चावल और पानी हम लोगों ने ना सिंक में निकाल दिया इसका ना। ये देखो चावलों में ना एक कनी बाकी है, मतलब दबाएं तो चावल फौरन से टूटेगा नहीं, ठीक है? तो इतना सा हमने पकाना है इसको। अभी ये लाइट सा जो है वो गलने वाला है, तो हमने इसका पानी निकाल दिया है। अब बनाने लगे चाशनी। आधा कप जो है ना वो ऑयल का भी डाला, और ज़्यादा अच्छा पूरे अब बल्ब जो है ना वो थोड़ा बड़ा वाला लगा दिया किचन में, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी लाइट नहीं है। आधा कप जो है ना वो ऑयल का अभी इसमें डाला है। वो पूरा भरा हुआ था ग्लास चावलों का, बल्कि ऊपर से भी थोड़े से ज्यादा थे। वो जो डेगे बनाते वो बराबर डालते, मैंने नहीं डाली, फिर बहुत मीठा हो जाना। अच्छा ये अब ऑयल है, ऑयल में मामा चीनी डाल रहे हैं। मैंने थोड़ा सा ना पानी ऐड किया अभी इसमें ना। अच्छा बच्चा देते हैं थोड़ा सा, अब आधा आधा जो था वो कप ऑयल और पौना ग्लास चीनी
और तकरीबन आधा ग्लास पानी। ये इलायची के दाने ना हमने पहले से ही खोल के मैंने रख ऐड कर दिया, अभी अब हम इसको पकने देंगे। चावलों की जो भाप वगैरह और पानी जो एक्स्ट्रा है ना वो निकल रहा है यहाँ पे। जो फ्रूटर होता है ना या किन्नो होता है उसका छिलका भी डालते हैं ताकि टेस्ट उसका बहुत अच्छा। एप्पल भी डाल सकते हैं। हाँ, एप्पल भी। मेरे अब्बू को ना वो जो माल्टे का छिलका वो उसे बहुत पसंद था तो वो मेरी अम्मी जो होते हैं वो डालती थी। वो अक्सर देखे ना तो वो जो फ्रूट केक होता है ना बाजार से मिलता है उसमें भी डला होता है ना। हाँ, तो वो जर्दा चावलों में भी अक्सर लोग डालते हैं पर मुझे इतना पसंद नहीं है। ड्राई फ्रूट्स मामा ने डाल दिए हैं सारे, वो नजर नहीं आ रहे नीचे बैठे हुए। और इसी में ना हमने चावल भी चाशनी में डाल देने हैं और इसको दम पे रख देना है थोड़ा सा ना, इसको मिक्स करके ना चाशनी को चावलों में, तो फिर इसको दम पे रख देंगे। कितने कितने टाइम ली मामा? बाहर जो ठीक हो यहाँ जो ला लें टाइम में ठीक है जो सही हो जरा अच्छा। आपको दिखाएंगे कौन सी मतलब किस तरह के होंगे तो फिर उतारने हैं चावल ना। अभी पानी है पानी। हाँ, अभी इसमें ना चाशनी है थोड़ी सी, वो आग तो तेज की हुई है मामा ने, तो अभी थोड़ी सी चाशनी कम होगी ना तो फिर इसको दम पे रखते हैं। हो गए हैं जर्दा तैयार, अब हम इसको प्लेट में निकालने लगे हैं क्योंकि हमारे घर में ना ऑलरेडी मेहमान आए हुए हैं। तो ये देखो चावल चावल लैदा हो चुका है, ये देखो दाना दाना लग हो गया। अब हम अपने पड़ोस में भी देंगे, ये देखो गल चुके हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो गले नहीं गले। ओ यार, सबसे पहले ये हमारे नेबर्स के लिए है गरम गरम चावल, और ये मामा जा रही हैं चावल देने उनके घर। इसके अबू के बड़े पसंद है। अबू आए हैं अभी चावल टेस्ट करने। अबू दसो। अच्छा जी, चावल देखे हैं तो बड़े अच्छे लगन दे, लंबे लगे चावल हो रहे ते अंदर ने पहली दफा जरदा पकाया है मामा। और मैंने अकेली ने नहीं मैंने बनाए चावल। चावल तो मजेदार है, चावल बिल्कुल मामा के टेस्ट के हैं क्योंकि बनाए ही मामा ने है। मैंने बस थोड़ा थोड़ा हेल्प करवाया मामा का, मामा ने ही बनाया। असल में मैं चाह रही थी कि मैं देखूं मामा कैसे चावल बनाते हैं क्योंकि बंदे को कभी खुद भी बनाने पड़ सकते हैं। तुझी भी बना कैसे चावल खाओ। हाँ, बहुत अच्छे चावल बने हैं, देखो कैसा है। तो अभी हम जरा अपने नेबर्स को दे लें और अब्बू के एक फ्रेंड आए हुए हैं उनको अंदर दे दें चावल, मैं भी खा के अभी बताती हूँ। मामा जा रहे हैं हमारे नेबर्स के घर में चावल देने। किजी को ना मीठे चावल बहुत पसंद है, किजी के बाबा को भी शहजाद को भी बहुत पसंद थे। वो जब भी आते थे ना तो मामा उनको जर्दा बना के देती थी। किजी को भी पसंद है ना मीठे चावल। कैसे बने हैं? यामी है। काले मेरा बेटा। ये भी ढूंढ लिया। देखा मम्मी और नानो कितनी यम्मी खाने बनाती है ना। मामा ये भी ढूंढ लिया मैंने। ये तो गिरी है, ये तो नारियल है। नारियल पानी पीते हैं कोई। नारियल पानी भी पीते हैं। और अभी मैं खाना लेके आई हूँ। आज हम लोगों ने चिकन बनाया था, ठीक है, और साथ में एक रोटी है और साथ में चावल, जर्दा चावल जो मैंने और मामा ने बनाए हैं। अभी टेस्ट करके बताती हूँ कैसे लगे। तो सबने खा लिए हैं चावल, सबने टेस्ट कर लिए हैं चावल, बहुत अच्छे बने हैं, सारे बोल रहे हैं। तो अभी मैं भी टेस्ट करके देख लेती हूँ कैसे बने हैं चावल। तो वैसे मुझे ना जितने भी ड्राई फ्रूट्स हो ना उनमें सबसे ज़्यादा मुझे ना ये पसंद है, नारियल गिरी पसंद है। यस, मम्मी को तो ये पसंद है। ले लो चावल, बहुत अच्छे बने, बहुत ज़्यादा टेस्टी ना चावल। असल में ना मैं चाह रही थी मैं सीख लूं क्योंकि बंदे को कभी भी बनाने पड़ सकते हैं। आज मैंने बनाने थे लेकिन इसमें ना ज़्यादातर एफर्ट जो है ना वो मेरी मामा का है। मतलब हर चीज़ मैंने की है, खुद की है, लेकिन यह है कि मामा से पूछ के की है, और अगर ना पूछती तो फिर चावल ख़राब हो जाने थे क्योंकि फर्स्ट टाइम था।
तो चावल बहुत अच्छे बने हैं, जैसे मामा बनाती होती हैं ना सेम वैसे ही चावल बने हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी ना। आप लोग भी इस तरीके से बना के देखना, बहुत अच्छे बनेंगे। तो बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को कर ले लाइक।